हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज हम फिर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, हाई एल्कोहल कंजप्शन एंड ओबेसिटी मे लीड टू विच ऑफ द डिजीज। बहुत ज़्यादा मोटापा, एल्कोहल का कंजप्शन और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, बी कम्युनिकेबल डिजीज़, सी हैंसन डिजीज, डी अल्जीमर डिजीज। आंसर इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो किसी इन्फेक्शियस एजेंट से नहीं होती, जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक। कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किसी इन्फेक्शियस एजेंट के थ्रू, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टीबी हुआ, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स हुआ, हेपेटाइटिस, रूबेला। हैंसन डिजीज, हैंसन डिजीज का दूसरा नाम लेप्रोसी है, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी। ये एक क्यूरेबल क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है जो स्किन को मोस्टली अफेक्ट करती है। इसमें नर्व डिमेज हो जाती है, स्किन पे बम्प जैसे बम्प हो जाते हैं। अल्जाइमर डिजीज को सेनाइल डिमेंशिया भी कहा जाता है, यानी कि बूढ़े लोगों में पागलपन। ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज होती है जो पर्सन की मेमोरी डिस्ट्रॉय कर देती है, मेंटल फंक्शन चेंज कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट डाटा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ए नर्स टू रिपोर्ट टू द फिजिशियन। पहला ऑप्शन है SO2 90% ऑन रूम एयर। दूसरा ऑप्शन है पल्स 110 बीट्स पर मिनट आफ्टर लंच। तीसरा ऑप्शन है क्लबिंग ऑफ फिंगर एंड साइनोटिक लिप्स। और चौथा ऑप्शन है ब्लड प्रेशर 149/88 mmHg। आंसर इसमें बी सी क्लबिंग ऑफ फिंगर एंड साइनोटिक लिप्स। क्लबिंग ऑफ फिंगर मोस्ट कॉमन कॉज बाय लंग्स कैंसर, मोस्टली अफेक्ट होती है हार्ट और लंग्स डिजीज के कारण, जिसमें एक्सट्रीमिटीज पर ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पाती और एक्सट्रीमिटी ड्रम शेप की हो जाती है। ये देखो ड्रम शेप होगी क्लबिंग ऑफ फिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिशियन हैज ऑर्डर थियोफाइलिन फॉर ए पेशेंट विद एम्फाइसेमा एंड एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट एसोसिएट विद द मेडिकेशन। फिजिशियन ने एम्फाइसेमा वाले पेशेंट को थियोफाइलिन ऑर्डर की है, तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? पहला ऑप्शन है ड्राई माउथ, बी पाल्पिटेशन, सी हाइपरग्लाइसीमिया, डी अनीमिया। आंसर इज ड्राई माउथ। एम्फाइसेमा टाइप्स ऑफ सीओपीडी है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का एक टाइप है। इसके अंदर अल्वियोलर सेक, अल्वियोलाई जो एयर सेक होती है वो परमानेंटली इलार्ज हो जाती है, उनकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, डिमेज हो जाती है, जिसकी वजह से एयर एक्सचेंज नहीं हो पाता। इसके एम्फाइसेमा का एक मुख्य लक्षण होता है बैरल चेस्ट, जिसके अंदर एंटेरियर और पोस्टेरियर डायमीटर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि कबूतर की चेस्ट जैसा चेस्ट हो जाता है। ये देखो इसमें अल्वियोलाई इनलार्ज हुई और ब्रस्ट हो गई, एयर एक्सचेंज के लिए जगह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट विद क्रोन्स डिजीज, इज टू रिसीव सल्फासिलाजाइन 500 mg ओरल सस्पेंशन QID। द ओरल सस्पेंशन इज अवेलेबल एज 250 mg पर 5 ml।
हाउ मेनी मिलीमीटर्स शुड द नर्स गिव फॉर एवरी डोज? ए 5 ml, बी 10 ml, सी 20 ml, डी 50 ml. आंसर इज 10 ml. क्रोन डिजीज एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है जो डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग को इफेक्ट करती है. इससे आंतों में सूजन आ जाती है. क्रोन डिजीज सेम होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरह, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस ओनली कोलोन को इफेक्ट करती है. क्रोन डिजीज स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट इलियम को और बिगनिंग पार्ट ऑफ कोलोन को इफेक्ट करती है. दोनों में सिम्टम्स एक जैसे ही होते हैं मोस्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लैंड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिग्नल ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड प्रोड्यूसिंग वेजोप्रेसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन इज दी. ए हाइपोथैलेमस, बी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, डी पेनक्रियाज. आंसर इज हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है हार्मोन सिक्रेशन के लिए, प्रोड्यूस करता है और स्टोर होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तो दो भाग होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. एंटीरियर से कई सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं और पोस्टीरियर से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं. एंटीरियर से ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन. पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन और वेजोप्रेसिन, वेजोप्रेसिन का दूसरा नाम एंटी डायरेटिक हार्मोन है, सीक्रेट होते हैं. पेनक्रियाज बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है. यह स्टमक के पीछे सिचुएटेड होता है. इसके तीन भाग होते हैं, हेड बॉडी टेल. हेड राइट साइड में, राइट साइड एब्डोमेन में होती है. टेल इसकी लेफ्ट साइड एब्डोमेन में होती है. यह 15 cm लॉन्ग होता है. ये दो तरह के सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है, एक हार्मोन करता है और एंजाइम करता है. हार्मोन में इंसुलिन वगैरह, स्टोमेटिन. एंजाइम में ट्रिप्सिन, अमाइलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इज शेड्यूल फॉर एन MRI ऑफ हिज पेल्विस. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स डू इफ ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन द नर्स फाउंड आउट डेट ही हैड ए प्रीवियस हार्ट सर्जरी. कोई पेशेंट है जिसकी MRI के लिए शेड्यूल हुआ है, नर्स चेक कर रही है, उसका डाटा कलेक्शन कर रही है. डाटा कलेक्शन में मिलता है कि उसको पहले हार्ट सर्जरी हुई है. तो ऑप्शन है, आस्क द पेशेंट इफ ही हैज एनी मेटल इन हिज बॉडी. बी ऑर्डर ए चेस्ट एक्सरे एग्जामिनेशन टू आइडेंटिफाई इफ ही हैज एनी मेटल ऑब्जेक्ट टू हिज बॉडी. सी कैंसल द MRI. डी इन्फॉर्म द फिजिशियन. आंसर इज बी, ऑर्डर ए चेस्ट एक्सरे एग्जामिनेशन टू आइडेंटिफाई इफ हैज एनी मेटल ऑब्जेक्ट इन बॉडी. MRI के केस में शरीर के अंदर कोई भी मेटल इम्प्लांट नहीं होना चाहिए, क्योंकि MRI के अंदर मैग्नेट सब मेटल्स को अपनी तरफ खींचती है और पेशेंट को जान पर आ सकती है, इसलिए ऐसे पेशेंट को अवॉइड किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूड लॉस ओकर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट के अलावा. ए वॉमिटिंग, बी डायरिया, सी बर्न, डी इंट्राविनस फ्लूड. आंसर इज इंट्राविनस फ्लूड. सभी केसेस के अंदर फ्लूड का लॉस हो रहा है, जबकि इंट्राविनस फ्लूड के अंदर अपन पेशेंट को फ्लूड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आंसर जाएगा इंट्राविनस फ्लूड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द कोरोनरी ब्लड वेजल्स इज टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग. ए प्रिवेंट अबनॉर्मल क्लोटिंग विद इन द हार्ट, बी ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द मायोकार्डियम, सी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, डी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स. आंसर इज बी, ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द मायोकार्डियम. कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके मायोकार्ड हार्ट तक जाती है और ब्लड सप्लाई करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन परफॉर्मिंग ए फिजिकल
असेसमेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द नर्स टू डिटरमाइन ए व्हेन द पेशेंट लास्ट हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स बी इफ पेशेंट हैज एनी डिफिकल्टी विद यूरिनेशन सी व्हेन द पेशेंट लास्ट हैड ए बाउल मूवमेंट डी इफ द पेशेंट हैज मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर कोई पेशेंट है जिसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एग्जामिनेशन हो रहा है तो नर्स क्या डिटरमाइन करती है तो आंसर जाएगा बी इफ पेशेंट हैज एनी डिफिकल्टी विद यूरिनेशन क्योंकि पेशेंट को पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है इसलिए फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान ये नोट करने वाली बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाइल असेसिंग ए न्यू बोर्न विथ क्लिप्ड लिप द नर्स वुड बी अलर्ट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट लाइकली बी कॉम्प्रोमाइज नर्स है एक न्यू बोर्न का एग्जामिनेशन कर रही है जो कि क्लिप्ड लिप कंजेनाइटल प्रॉब्लम के साथ पैदा हुआ है तो नर्स क्या ऑब्जर्व करती है ए सकिंग एबिलिटी बी रेस्पिरेटरी स्टेटस सी लोकोमोशन डी जीआई फंक्शन आंसर इज सकिंग एबिलिटी। सकिंग एबिलिटी इसलिए क्योंकि क्लिप्ड लिप फेसलेस को बराबर सकिंग एबिलिटी बना नहीं पाता मुँह से सक नहीं कर पाता प्लेट में कट होने की वजह से इसलिए सकिंग एबिलिटी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द नर्स असिस्ट द पेशेंट विद क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस टू प्लान मील डेट आर ए हाई इन कैलोरी बी हॉट एंड हाई इन कार्बोहाइड्रेट सी कोल्ड स्मॉल इन क्वांटिटी एंड लो इन फैट डी कोल्ड लार्ज इन क्वांटिटी एंड इनफ्रिक्वेंट कोलिसिस्टाइटिस गाल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन होना है तो यहाँ पर आंसर जाएगा सी कोल्ड स्मॉल इन क्वांटिटी एंड लो इन फैट फैट की वजह से ज़्यादा डिपोजिशन की वजह से गाल ब्लैडर्स में फंक्शन में चेंजेज आ जाते हैं बाकी सेल इरिटेट होती है और इन्फ्लामेशन कोज करती है इसलिए पेशेंट को लो फैट डाइट देना सही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन और सिम्टम्स ऑफ ए हीमोलाइटिक रिएक्शन टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन ए हीमोग्लोबिन यूरिया बी चेस्ट पेन सी अर्टिकेरिया डी डिस्टेंडेड नेक वेन किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हीमोलाइटिक रिएक्शन होती है तो क्या लक्षण नज़र आएगा तो आंसर इज हीमोग्लोबिन यूरिया। अत्यधिक मात्रा में आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की वजह से हीमोग्लोबिन पार्ट का यूरिन में देखने को मिलता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है जो वाइटल ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी मॉनिटर बाय नर्स ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर एक्सेप्ट नर्स को सेकेंड स्टेज लेबर की सेकेंड स्टेज के दौरान सब कुछ ऑब्जर्व करना चाहिए एक को छोड़ के पहला ऑप्शन यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन बी डिसेंडिंग ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट सी मेटरनल कंफर्ट डी फीटल कंडीशन आंसर इज मेटरनल कंफर्ट। सेकेंड लेबर की चार स्टेज होती है सेकेंड स्टेज के दौरान सर्वेक्स का कंप्लीट डायलेशन से शुरू होती है और बच्चे के बाहर निकल तक फीटस के एक्सपल्जन तक की स्टेज होती है। इसके अंदर दो अवस्था आती है प्रोपल्सिव फेज और एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज सर्विक्स के पूरी तरह डायलेट होने के साथ प्रारंभ होती है तथा तो फिटस के प्रेजेंटिंग पार्ट के पेल्विस फ्लोर तक खिसक जाने पर समाप्त हो जाती है। एक्सपल्सिव फेज गर्भस्थ शिशु के बर्थ केनाल से होते हुए बाहर आ जाने के साथ यह अवस्था समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए पेशेंट विजिट एन अर्जेंट केयर सेंटर एंड टेल द नर्स ही हैज ए नोजिया एंड ओमिटिंग फॉर 3 डेज द नर्स शुड असेस द पेशेंट फॉर सिम्टम्स ऑफ कोई पेशेंट है जो हॉस्पिटल जाता है और बताता है कि मुझे 3 दिन से नोजिया वोमिटिंग हो रही है तो नर्स को क्या असेस करना चाहिए कौन से लक्षण पर ध्यान देना चाहिए ए एडिक्यूट कार्बोहाइड्रेट इंटेक बी क्रोनिक फेटिक सी विटामिन सी डेफिशिएंसी डी डिहाइड्रेशन
आंसर इज डिहाइड्रेशन। लगातार 3 दिनों से नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन हो रही है, तो पेशेंट के शरीर से वॉल्यूम की कमी आ रही है, इस वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में ड्राई माउथ, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल चेंजेस शो हो सकते हैं, इसलिए आंसर डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट फॉर पेनक्रियाटिक डिमेजिज, पेनक्रियाटिक डिमेज हुई है तो सबसे यूजफुल टेस्ट कौन सा है? ए सीरम बाइकार्बोनेट, बी सीरम अमाइलेज, सी सीरम बिलिरुबिन, डी सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट। आंसर इज सीरम अमाइलेज। चारों ऑप्शन में से सीरम अमाइलेज ही अमाइलेज पेनक्रियाज सिक्रेट करती है, बाकी सब पेनक्रियाज के कार्य नहीं है, तो इसलिए आंसर जाएगा सीरम अमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब का काम क्या है? ए सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, बी हेल्प इन फीटस डेवलपमेंट, सी एक्ट एज ए पासेज वे फॉर द फीटस, डी मोबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज ओवम। आंसर इज मोबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज ओवम। कंसेप्शन के बाद प्रोडक्ट फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूटरस में आ जाता है और यहाँ पर 11वें दिन इम्प्लांट हो जाता है। तो आपको हमारी क्विज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।